अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक। भाई क्यों सर्दी लग रही है, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है, किस तरह जो है हीट पैदा करें या किस तरह कमरे को गर्म किया जाए। भाई ये वीडियो आ चुकी है आप सब दोस्तों के लिए, क्योंकि आज मैं ले आया हूँ आप सब दोस्तों के सामने 12 वोल्ट का हीटर। जी हाँ, बहुत से लोग कहेंगे भाई फेक चीज है, गलत चीज है, बैटरी का बेड़ा गर्क है, 12 वोल्ट का हीटर बन ही नहीं सकता, इसको बनाने के लिए कंपनी चाइना से मंगवाना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं क्या क्या लोग बोलते रहते हैं। तो आज मैं आपको लाइव चेक करवा रहा हूं। भाई ये आप देख सकते हैं दोनों राड चलेंगे, अभी ये मैं एक चला के दिखा रहा हूं, अभी जो है नीचे वाला राड चलेगा, आप देख सकते हैं हीट होना स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद ऊपर वाला राड चलेगा। मैं लाइटों को कम कर देता हूं ताकि सही तरह नजर आए, और यहां पर अभी आप देखेंगे दोनों राड चलने स्टार्ट हो जाएंगे। 3, 2, 1। तो वाव जी, बहुत ही कमाल की चीज़ बन चुकी है, आप देख सकते हैं भाई हीट होना स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर आप एक राड चलाना चाहें एक चला सकते हैं, दूसरा बंद करना चाहें दूसरा बंद कर सकते हैं, आपके ऊपर है, दोनों बंद करना चाहें दोनों बंद कर सकते हैं, और दोनों को चलाना चाहें इकट्ठा दोनों को चला सकते हैं। मुकम्मल बैटरी पर चलने वाला है, जहाँ मर्जी उठा के ले जाऊँ मुझे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये बैटरी पर चलने वाला हीटर है, गर्मियों का सबसे अच्छा तोहफा है। अब जो हीटर्स और हमारे जितने भी हीटर्स हैं वो सड़ेंगे, जलेंगे, आग लगेगी उन्हें इस हीटर से, क्योंकि ये 12 वोल्ट का पहला ऐसा हीटर है जो कि एक प्रोफेशनल तरीके से मैंने बनाया है। और अगर आपने इसको सपोर्ट किया, इस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, तो मैं इंशाल्लाह और नई नई वीडियो आप सब दोस्तों के लिए लेके आता रहूंगा। जिस तरह मैंने इस पर मेहनत की है, इसको बनाया है, अगर आप इसको खुद बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। और मेरा टोटल 200 रुपए खर्चा आया, इतना ज्यादा खर्चा नहीं आया, 200 रुपए में मैंने अपने खराब हीटर को जो है मुकम्मल एक वर्किंग कंडीशन में यूज कर लिया। और ये देख सकते हैं लगातार बैटरी भी चल रहा है, बेहतरीन हीट आ रही है भाई, बहुत चीज कमाल की चीज बनी है। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे और मुझे मोटिवेट करेंगे। अगर आपने सपोर्ट किया, अच्छा कमेंट किया, अच्छा लाइक किया, तो मैं जो मोटिवेट होऊंगा और मैं और नई नई वीडियो लेके आता रहूंगा। टाइम को ज्यादा जाया नहीं करते, शुरू करते हैं इसको बनाना। तो लीजिए दोस्तों, ये आ चुका है जी हमारे पास हीटर, जिसको हमने करना है जी कन्वर्ट। और ये है बिजली वाला हीटर, जैसे कि आपको बताया इसके साथ 220 वोल्ट की तार लगी हुई है, और इसको आपको यहाँ से ऑन ऑफ करके चलाना पड़ता है। एक करते हैं तो एक राड चलता है, दूसरा बटन ऑन करते हैं दूसरा राड चलता है, और ये 220 वोल्ट में है। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। मेरे पास ये सेकेंड हैंड एक हीटर पड़ा था, मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के लिए जो है बनाकर दिखाऊँ इसको 12 वोल्ट के अंदर, तो जल्दी से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। लीजिए जी, आप देख सकते हैं मैंने इसको खोल लिया, और खोलने के बाद हम इसकी 220 वोल्ट की जितनी भी तारें वो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें 220 वायर की बिल्कुल भी अभी ज़रूरत नहीं है, हम इसी वायर को जो है 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ से इसको भी खोल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ चुका है जी हमारा मेन हीटर। अब इसके अंदर ये काम करना है, सबसे पहले हमने इसके अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट हैं उनको निकाल लेना है बाहर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिमेंट आ चुके हैं बाहर, उसके बाद यहाँ से भी तारें निकाल देते हैं, और जाली हो चुकी है साइड पे, इसको कर देते हैं साइड पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे सेकंड हैंड एलिमेंट लगे हुए हैं, तो इनको हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इनको ही हमने 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिमेंट निकाल लिए हैं, वायरिंग निकाल ली है, उसके बाद अभी हम इसको साफ वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको वापस जोड़ना है। तो बारी आ चुकी है एलिमेंट को कन्वर्ट करने की। तो ये हमारे पुराने एलिमेंट है जो हमारे हीटर में से निकले हैं, इनको ही हमने जो है कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इनके चारों की चारों की कैप्स को निकाल लेते हैं बाहर, इसके अंदर से जितने भी इनके थंबिल हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको ही हमने इस्तेमाल करना है इसके अंदर। उसके बाद शीशे को साइड पे कर देते हैं, क्योंकि शीशे को हमने एंड में यूज़ करना है जब हमने फिटिंग करनी है, और उससे पहले हम इसके सारे टर्मिनल्स वगैरह निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको निकाल लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके चारों के चारों टर्मिनल निकाले हैं, इन्हीं टर्मिनल के साथ हमने अपना हीटिंग एलिमेंट जोड़ना है। तो हीटिंग एलिमेंट जो इसके अंदर इस्तेमाल करूँगा 12 वोल्ट के लिए, वो मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि होती है एक नाइक्रोम वायर, और ये नाइक्रोम वायर आपको किसी भी बिजली की दुकान से मिल जाएगी। तो हमने इसको इतना लंबा रखना है कि इसके अंदर हम आसानी से इसके अंदर फिटिंग कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ से थोड़ी सी कट कर लेते हैं, क्योंकि फालतू हमें नहीं चाहिए, और थोड़ी सी लंबी कर लेंगे, और इसको इतना लंबा रखना है कि हम आसानी से इसको गर्म कर सकें 12 वोल्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कितना लंबा किया है इसको, और ये देख सकते हैं इसके जो है साइज़ चेक कर सकते हैं कि कितना लंबा हुआ है। उसके बाद हमने इसके साथ जो है एक साइड पे पहले ये टर्मिनल लगा देना है, क्योंकि ये टर्मिनल लगेगा तो ही बेहतरीन तरीके से जुड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक साइड पर इसको लगा लिया है, उसके बाद इसको अंदर इसके लगा देना है, और इसको यहाँ से अच्छी तरह मोड़ देना ताकि ये यहाँ से निकल ना सके। तो इस तरह ही चारों के चारों टर्मिनल को कर देना है, और उसके अंदर डाल के इसकी दूसरी साइड भी जोड़ लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जोड़ के मैंने एक राड को कर लिया रेडी, अब इसको एक दफ़ा चला के चेक कर लेते हैं, फिर इस तरह ही हम दूसरे राड को भी रेडी कर लेंगे।
वाह दोस्तों, ये आप देख सकते हैं राड चलना स्टार्ट हो चुका है, फुल ग्लो हो चुका है, लालो लाल हो चुका है। इसका मतलब हमारा राड बेहतरीन काम कर रहा है बैटरी के ऊपर। और ये मैंने बैटरी पे चलाया हुआ, ये देख सकते हैं ये बैटरी है जी। और दोबारा चला के दिखा देता हूँ, ये चीज भाई बेहतरीन काम कर रहा है। जल्दी से दूसरे राड को रेडी कर लेते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, दोनों राड हो चुके हैं 12 वोल्ट के अंदर रेडी। अब बारी आ चुकी है इनको फिट करने की। जल्दी से इसको इसके अंदर फिट करते हैं, वायरिंग वगैरह करते हैं और फिर हम इसको चला के चेक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं फिटिंग सारी हो चुकी है और राड शॉट बेहतरीन फिट आ चुके हैं प्रोफेशनली। अब बटन के साथ इसकी वायरिंग शेयरिंग कर लेते हैं। तो लीजिए जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वायरिंग कर ली, इन दोनों को जोड़ दिया और यहाँ पर एक तार निकाल दिया। इन दोनों के साथ कनेक्शन हमने बटन का कर दिया। अब इसके साथ जो 220 वोल्ट की वायर लगी हुई थी उसका कनेक्शन कर देते हैं ताकि फिर हम यहाँ से स्विच काट के इसको डायरेक्ट बैटरी पर चला सकें। तो मैं इसकी भी वायरिंग कर लेता हूँ। तो लीजिए जी, यहाँ पर देख सकते हैं रेडी हो चुका है हमारा हीटर, बेहतरीन तरीके से काम करेगा। अब यहाँ से बैटरी की स्पेशल इसका ये स्विच काट देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, और यहाँ से हम वायरिंग बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा भी बहुत से लोग कहेंगे कि माज भाई इसकी वायर आपके लिए बहुत बारीक लगाई है तो जल्दी जल जाएगी। भाई अगर आप चाहें इसके साथ मोटी तार लगानी है वो भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसके चलाना है चला सकते हैं। तो इसके साथ हम थोड़ी जो है क्रोकोडाइल क्लिप लगा लेते हैं दो, उसके बाद हम इसको टेस्ट करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, रेडी हो चुका है जी हमारा हीटर और मैंने इसके साथ जो पहले तार के साथ क्लिप लगाए थे वो निकाल के मैंने बड़ी तार कर दी क्योंकि मैंने इसको एक दफ़ा टेस्ट किया तो एक राड जल रहा था, दो ने दूसरा नहीं क्योंकि अंपेयर ज़्यादा चाहिए थे और मोटी तार लगी होगी तो अंपेयर अच्छे आएंगे। तो अब हमारा मुकम्मल हीटर प्रोफेशनल तैयार है। तो अब बारी आ चुकी है भाई टेस्ट करने की, पाकिस्तान में ऐसी वीडियो किसी ने बनाई जिसके अंदर आपको प्योर प्रोफेशनल जो है तरीका बताया हो 12 वोल्ट के हीटर को बनाने का। और ये तरीका को देख के बहुत से लोग कॉपी भी करेंगे। तो आप जो है अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे ना, मैं इस तरह की और 12 वोल्ट के ऊपर हीटिंग करने की प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। तो अब हम जो है काम ये करते हैं भाई, इसको करते हैं टेस्ट। तो ये आ चुकी है 12 वोल्ट की तार, कोई कुछ और कुछ भी नहीं है, बैक साइड भी देख सकते हैं। और हमने इसको डायरेक्ट बैटरी पर लगाना सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना। तो ये आ चुकी है आपके भाई के पास बैटरी एक्साइड कंपनी की। अब मैं इसको इसके साथ लगाता हूँ और लाइटिंग की वजह से शायद आपको सही नज़र ना आए तो मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद हम इसको अटैच कर लेते हैं। 3, 2, 1। तो लीजिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये लग चुका है। अब हम इसको चला के चेक करते हैं। जिस तरह बिजली वाला हीटर ऑन होता है वैसा ही सेम ऑन हुआ है भाई, ये देख सकते हो रॉड फुल गर्म हो चुका है। उसके बाद दूसरा भी चला लेते हैं और दूसरा भी मैंने चला लिया है। तो वाह भी वाह भाई, माशाल्लाह भाई, आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से रॉड गर्म होना स्टार्ट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बेहतरीन हीट आ रही है भाई। अब मैं थोड़ी लाइटें कम करता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ लाइटें कम कर दी हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों राड जल रहे हैं। अगर मैं एक राड को बंद करता हूँ तो ऊपर वाला बंद हो गया, अगर नीचे वाला बंद करता हूँ नीचे वाला बंद हो गया है, और अगर नीचे वाला चलाता हूँ तो यहाँ से नीचे वाला गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और दूसरा भी चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत से लोग हैं जो हेटर्स हैं वो कहेंगे माज भाई ये झूठ है, फेक है, बैटरी का बेटा गर्क है, सब कुछ है, ये वो कमेंट में आगे कहेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता भाई ये चीज़ वाकई बैटरी पर चलने वाली है। ये देख लो भाई, बैटरी पर चलने वाली प्रोडक्ट बना दी है और मैं आपको बताऊँ क्या चीज़ बना कर दिखाऊँ। तो भाई इस तरह की मैं चाहता हूँ कि और प्रोडक्ट आप सब दोस्तों के लिए लेके आता रहूँ, आप सब दोस्तों के लिए आसानियाँ पैदा करूँ ताकि आपको मार्केट से ना लेनी पड़े, आप घर में खुद बनाएं सस्ते में। अच्छा, इसके ऊपर बहुत टोटल खर्चा आया होगा मेरा मैक्सिमम 200 रुपये। 200 रुपये में मैंने इसको रेडी किया, सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में। और आप देख सकते हैं इसके आगे जो ये प्लास्टिक पड़ा था इसको भी जलाने लग गया, ये बेहतरीन गर्मी आ रही है भाई। इसको मैं अब चलाऊंगा। अब बहुत से लोग कहेंगे बस भाई जो है इसको चलाने के लिए क्या हम बैटरी का इस्तेमाल करेंगे या सोलर पे भी चला सकते हैं या वह हम जो है सप्लाई पे भी चला सकते हैं। भाई इसको आपने 12 वोल्ट करंट देना है, 12 वोल्ट देने हैं। आप इसको बैटरी पे चला रहे हैं, सोलर पे चला लें या आप सप्लाई पे चला लें, आप इसको हर जगह चला सकते हैं। तो भाई उम्मीद है ये मेरी मेहनत रहेगा नहीं जाने वाली और ये उम्मीद है कि आप इस वीडियो को वायरल करेंगे, आप इस वीडियो को अच्छा लाइक सपोर्ट करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं नई से नई और वीडियो लेके आता रहूं। तो दोस्तों मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, इस तरह दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।